ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओमकार हूँ, जन जन को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का अस्तित्व में अधिक समय तक सहन नहीं करता। जन रक्षा में मैं उनके लिए भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। तारकासुर के अत्याचारों की व्यथा ऋषि मुनियों से सुनकर भगवान शिव क्रोधित होकर उसका वध करने के लिए उद्यत हुए, तो नारद ने उन्हें स्मरण कराया कि तारकासुर का वध शिव नहीं शिवपुत्र करेंगे। तब शिव वीरभद्र को तारकासुर का मान मर्दन करने के लिए भेजते हैं। तारकासुर के पलायन से प्रसन्न होकर जया विजया ये समाचार पार्वती को देती है। उसी समय शिव ब्राह्मण का वेश धारण कर हिमालय राज के पास आकर उन्हें शिव के विरुद्ध भड़काते हैं। मैना भी ब्राह्मण से सहमत होकर उत्तेजित हो उठती है। उधर कैलाश पर अरुंधति और सप्त ऋषियों को बुलाकर शिव उनसे मैना के मन को उनकी ओर से निर्मल करने का कार्य सौंपते हैं, किंतु मैना का मन तो वे स्वयं ब्राह्मण वेश धारण कर कठोर बना आए थे। पार्वती अपनी मां मैना को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताती भी है कि वो ब्राह्मण अन्य कोई नहीं स्वयं शिव जी थे, पर मैना तर्क करती है। पार्वती द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर भी मैना रानी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। देवर्षि नारद भी अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु ब्रह्मलोक पधारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती को पुत्र नारद का प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आओ नारद। नारद तो आ ही गया माता, परंतु ये क्या, इन दिनों आप दोनों ध्यान में ही मग्न रहते हैं, सृष्टि का कार्य थम सा गया है। ऐसा होना संभव है क्या? तुम तो तीनों लोकों में सदा भ्रमण करते रहते हो, क्या कहीं कुछ तुम्हें नवीन नहीं दिखाई दिया? नवीन नवीन घटनाएं? नवीन घटनाएं तो नहीं, पर हाँ दुर्घटनाएं अवश्य जन्म ले रही हैं। नवीन कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है यही पूछने तो मैं यहाँ आया हूँ माता। नारद, तुम देवर्षि होकर असत्य भाषण भी कर लेते हो। प्रश्न में असत्यता कैसी परमपिता? मैंने तो मात्र अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। यदि मैंने असत्य भाषण किया भी होगा तो वो लोक हित के लिए किया होगा, परंतु आपके सम्मुख असत्य बोलने का साहस ना तो मैं कर सकता हूँ ना ही दृष्टता कर सकता हूँ। तो क्या ये सत्य नहीं कि तुम इस समय यहाँ नव निर्माण की जिज्ञासा लेकर नहीं वरन शिव की विचित्र लीला तथा मैना रानी के भ्रम के विषय में जानने आए हो? नव निर्माण की जिज्ञासा के पश्चात मैं इस विषय पर भी चर्चा अवश्य करता परम पिता, परंतु सत्य यह है के शिवजी की लीला के कारण निर्माण के कार्य में बाधा आ रही है। नहीं नारद, ये सत्य नहीं है, हमारा भ्रम है। शिव लीला से कार्य में बाधा नहीं कल्याण की प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। परमपिता, तो फिर बार बार शिवजी मैना रानी से परीक्षा लेकर पार्वती से विवाह में विलंब क्यों कर रहे हैं? स्व अवसर की प्रतीक्षा को ज्ञानी धीरज
और शीघ्रता के लिए की गई व्याकुलता को अज्ञानी विलंब कहते हैं नारद। लौकिक रूप से विलंब हो या शीघ्रता, शिव जो भी करेंगे शुभ के लिए ही करेंगे। परमपिता, पार्वती का अटल निश्चय, मैना रानी का हट और भोलेनाथ के परीक्षा क्रम के साथ साथ लीला प्रसारण का अंतिम रूप और परिणाम क्या होगा? कहा ना नारद, शिव लीला का परिणाम सदा शुभ ही होता है। शिव का अर्थ ही शुभ होता है। जो शिव भक्त हैं, इस सत्य को भली भांति जानते हैं। शिव लीला में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, वो निश्चित रूप से कल्याणकारी ही होगा। इसी कारण शिव भक्त कभी भोलेनाथ की लीलाओं में शंका प्रकट नहीं करते। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के मुख से शिव लीला के विषय में जानकर मैं धन्य हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महारानी मैना, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। शिवजी ने भेजा है ना आपको मुझे समझाने के लिए, पर मेरा समझना संभव नहीं है, क्योंकि जो मुझे स्वीकार नहीं है सो नहीं है। बस मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और रहूंगी। प्रणाम शिव। मैना रानी, तुम्हारा निश्चय भी उचित है और अटल भी उत्तम, किंतु अपनी पुत्री के प्रेम में दुर्व्यवहार करना ना तो उचित है ना उत्तम। उत्तेजना में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई, अपने आदरणीय और पूज्य जनों का समुचित स्वागत भी नहीं किया तुमने। क्षमा करें ऋषिवर, सत्य है पुत्री के मोह और उत्तेजना में मुझसे भूल हो गई। भूल तो देवगण से भी होती है, चिंता का विषय वो नहीं, ये है कि कहीं तुम्हारा पुत्री मोह कम न हो जाए। हम उसी की विनती करने आए हैं। अर्थात तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्र का मन शिव पे है, पर तुम्हारा मन शिव को स्वीकार नहीं करता। कैसे करेगा, क्यों करेगा? फिर पुत्री का मन भी शिव को अस्वीकार क्यों करेगा? उसे करना होगा, वो मेरी पुत्री है, क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया है उसे। किसे माने वो, माँ को जिसने केवल जन्म दिया है, या उस सत्य को जो सृष्टि के आदि से उसके साथ है और अंत तक साथ रहेगा? विधि के विधान में शिव पार्वती का विवाह निश्चित है। बाहरी रूप से जो तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मूल रूप में वो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति? हाँ, तुम बाहर और ऊपर का रूप ही देखती रहोगी तो सत्य भी बाहर और ऊपर ही रहेगा। हाँ, भीतर झांकोगी तो सत्य भी भीतर आएगा। मैंने कब देखा है बाह्य रूप? शिव के प्रति विरक्ति उनके भाई रूप को देखकर ही हुई है ना? नट के रूप में देखा, कैलाश पर शिव बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए, तुम्हारे भवन में वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? अति आवश्यक था। भगवान शिव तुम्हें इस सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि बाह्य रूप भले ही कितना भी भव्य, सुंदर एवं आकर्षक हो, किंतु भीतर से सब कुछ शून्य हो तो वो हितकारी नहीं होता है। इसके विपरीत यदि बाह्य रूप भव्य, सुंदर एवं आकर्षक न हो, किंतु भीतर गुण, प्रतिभा, चरित्र इस सब की संपदा हो, तो वो श्रेष्ठ और हितकारी होता है। तुम्हारे माध्यम से ही भगवान शिव संपूर्ण जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूप नहीं, गुण और शुभ उद्देश्य स्थायी और कल्याणकारी होता है।
ऐसा लग रहा है आप सत्य कह रही हैं। मैं असत्य क्यों कहूंगी? तुम यदि अपनी पुत्री का विवाह सुख संपदा के स्वामी किसी राजकुमार से कर देती हो, किंतु चरित्र और गुण प्रिय तुम्हारी पुत्री उस राजकुमार के चरित्र और गुणों से संतुष्ट न होकर दुखी हो जाती है, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अपनी पुत्री के दुख में क्या तुम दुखी नहीं हो जाओगी? विधाता न करे ऐसा हो। तो फिर विधाता के संकेत में छिपे हुए संदेश को पहचानो और उसे मान लो। तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्री को शिव से, इसलिए अपनी पुत्री के हित में तुम भी शिव के प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें अपना जमाता स्वीकार करो। वैसे हमने शिव विवाह के लिए मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का मुहूर्त निश्चित किया है। बधाई हो मैना रानी, पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। अब कहो क्या कहना चाहती है? अब कहने को शेष क्या रह गया है? जैसा आप सब उचित समझे करें। समस्त देवगण की भी यही इच्छा है, और अभी अभी देवी अरुंधति ने जो सत्य प्रकट किया है मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सहमति सभी की प्रसन्नता और कल्याण का कारण है मैना रानी। अब तो यही उचित होगा कि शीघ्र ही गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शिव को विवाह की निमंत्रण पुस्तिका भिजवाई जाए। अवश्य देवी अवश्य। जगन्नाथ नाथं सदानंद भाजं भूतिभूतं भवेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशान मीडे। आओ गर्ग ऋषि, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर की जय। आज की जयकार तो धूमधाम से पूर्ण है। हाँ भोलेनाथ, मैं हिमालय राज का राजपुरोहित हूँ। सप्त ऋषियों के परामर्श स्वीकार कर उन्होंने आपका तथा देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाश पति भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोले शंकर की जय, पर्वताधिराज हिमालय राज की जय, चराचर पति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणि ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी, और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा।
विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। हे भोलेनाथ, आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग अलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुरी सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है, आज्ञा करें। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो, करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी अभी तुम गर्व ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया, कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व तुम क्यों नहीं आरंभ करते? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। ये चला नारद द्वितीय पर्व आरंभ करने। पर सुनो तो, इस पर्व को आरंभ कैसे करोगे? नारायण नारायण, आपका दूध बनकर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, सभी देवगण, सभी ऋषिगण, इन सभी को आपके विवाह की सूचना देकर उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निवेदन पूर्ण आमंत्रण दूंगा, उन्हें प्रसन्न रखूंगा भोलेनाथ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे 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 अरे, मैं क्यों पृथ्वीलोक की ओर जा रहा हूँ? मुझे तो स्वर्गलोक जाकर देवगण को सूचित करना होगा। शिव पार्वती विवाह की सूचना पाकर सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी, इसीलिए उन्हें ही सर्वप्रथम आमंत्रित एवं सूचित करना उचित होगा। चलो नारद। सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी, निश्चित ही देवताओं को ही होगी। नारायण नारायण। दुष्ट तारकासुर के कारण देवता ही सबसे अधिक कष्ट में हैं। शिव पार्वती विवाह उपरांत उनसे उत्पन्न पुत्र देवताओं के परम शत्रु तारकासुर का वध करेगा, इसलिए सर्वप्रथम देवताओं के पास चलना चाहिए। चलना तो तुझे भी चाहिए हमारे स्वामी के पास। परंतु तुम वो कौन? मैं मेघासुर हूँ, महाबली तारकासुर का सेनापति। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हें यह भी बताता हूँ कि तुम्हें क्यों पकड़ा। तुम चोटी वाला हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के वध का षड्यंत्र कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। और अब तुम्हें हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के सम्मुख उपस्थित होना है, इसलिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलो। नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, चलना होगा। तारकासुर की सुन लेते हैं और मन की कह लेते हैं। नारायण नारायण। चलो हमारे स्वामी तारकासुर के पास, चलो। दानव्र महाबली तारकासुर की जय। नारायण नारायण। नारद, तुम मेघासुर, इसे क्यों पकड़ लाए? इसलिए कि आप सोच सके और सोचकर निर्णय ले सके। स्पष्ट रूप से कहो मेघासुर, कहना क्या चाहते हो? महाबली, ये नारायण भक्त शिव की भक्ति करते हुए देवताओं को सूचित और आमंत्रित करने जा रहा था। ये दुष्ट आपका अमंगल सोच रहा था महाबली। ये चोटी वाला
हमारा क्या मंगल करेगा? मंगल ये स्वयं नहीं करता, ये तो केवल सोचता है और करवाता है। इसका तो सोचना ही मां भयंकर है, मैंने इसे सोचते हुए देखा, मेरा तो रोम रोम कांप गया इसे सोचते हुए देखकर। ऐसा क्या सोचते हुए देखा तुमने, बोलो। आपके वध के कार्यक्रम पर सोच रहा था मां बली। क्या? हां देते राज, शिव पार्वती विवाह से पुत्र उत्पन्न होगा, शिव पुत्र जो आपका वध करेगा। आपके वध से देवता प्रसन्न होंगे, इसलिए देवताओं को शिव पार्वती विवाह का वो शुभ समाचार देने जिसके भीतर आपके वध का कार्यक्रम छिपा हुआ था। आकाश मार्ग से जा रहा था ये चोटी वाला, इसे ऐसा सोचते हुए मैंने देख लिया और आपके पास पकड़ कर ले आया महाबली। हे नारद। नारायण नारायण, दैत्यराज, क्रोध करने से किसी को लाभ नहीं हुआ, हाँ हानि अवश्य हुई है। क्रोध करने से रक्त का प्रवाह विरुद्ध दिशा में बहने लगता है, अर्थात शरीर जीवन की ओर न बढ़कर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ज्ञानी और संतजन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर ले चलो, परंतु आप तो विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं दैत्यराज। नारद, बहुत अधिक बोलते हो तुम। बोल का ही तो मोल होता है दैत्यराज, फिर ये प्रश्न नहीं कि मैं अधिक बोलता हूँ या कम बोलता हूँ, मधुर बोलता हूँ या कटु बोलता हूँ, भयभीत होकर बोलता हूँ या निर्भय होकर बोलता हूँ। नहीं, आप मात्र इतना विचार करें कि मैं सत्य बोलता हूँ या नहीं। नारद, क्या तुम अपनी वाणी पर कभी विराम नहीं लगाते? तो आप दैत्यराज मेरी वाणी पर विराम लगाने के इच्छुक हैं, क्योंकि दैत्यराज आप पे सत्य सुनने और उसे सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। नारद, मेरी वाणी से यदि आपको इतना कष्ट होता है तो आपके अत्याचार से प्रजा को कितना कष्ट होता होगा। दैत्यराज, यदि विराम लगाना ही है आपको तो अपने अत्याचार हिंसा पर विराम लगाएं। सावधान नारद। सावधान तो मैं हूं ही दैत्यराज, परंतु आप अपनी हिंसा, स्वार्थ, अत्याचार और दुर्भावना पर विराम क्यों नहीं लगाते? दैत्यराज, जन जन की वाणी की गति तुम्हारे विरुद्ध बढ़ती जा रही है, ना तो तुम जन चेतना के प्रवाह को रोक सकते हो, ना जन साधारण के सत्य को रोक सकते हो, ना ही जन वाणी को रोक सकते हो। यदि रोकना ही है दैत्यराज तो अपने पाप कर्मों को रोको, और यदि विराम लगाना ही है तो अपनी तांत्रिक वृत्ति पर लगाओ। नारद, नारद, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दैत्यराज, दुष्कर्म करने की सौगंध ही ले रखी है आपने, कभी कभार भूले भटके सत्कर्म करने का विचार ही कर लिया करो, करना तो संभव क्या होगा। ये दुष्ट नारद तो महाबली को तेजित ही करता जा रहा है, परिणाम भी यही भुगतेगा महाबली। हे नारद, तुम्हारा ये विराम जो तुम हम पर लगाना चाहते हो, हम तुम्हारे जीवन पर लगा देंगे, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ना देवताओं को निमंत्रण जाएंगे, ना शिव पार्वती विवाह होगा, फिर हम हिमालय राज्य प्रवेश कर वहां की विवाह की सभी तैयारियों पर विराम लगा देंगे। नारायण नारायण, ज्ञानी सत्य ही कहते हैं कि अज्ञानी में दूरदर्शिता होती ही नहीं। क्या कहा तूने? भूल हो गई, इतना बड़ा सत्य आपकी छोटी सी बुद्धि में नहीं समाएगा। अभी तक जो मैंने कहा उस पर ध्यान न देकर अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ कृपया आप उस पर ध्यान दें। क्या कहोगे? यही कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने मरने का आयोजन न करो। शिव आज्ञा विरुद्ध यदि आपने
हिमालय क्षेत्र में प्रवेश किया अथवा आक्रमण किया तो परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान भी आपको नहीं बचा सकता। शिव पुत्र के उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव जी के क्रोध से आप मारे जाओगे। महाबली, आप इस नारद को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में तुरंत दंडित करेंगे तो इसका प्रलाप बंद हो जाएगा। नारद सावधान, शिव दूत पर आक्रमण करने से शिव क्रोध से नहीं बच पाओगे दैत्यराज। इस मेघासुर के हाथों से बचकर तो मैं कभी का जा सकता था, परंतु मैं यहां तुम्हें सावधान करने आया हूं। नारद, नारद को ऐसा उपाय बताओ कि मैं शिव पुत्र के हाथों न मरूं। शिव आराधना करो, किसी समय प्रारंभ करो। कहां गया? नारद के बहकावे में ना आना महाबली। बहकावा? बहकावा नहीं तो और क्या है? आपको शिवराधना का कुमार्ग बता गया है वो दुष्ट। आपकी शिवराधना आरंभ करते ही हम असुरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं महाबली, नहीं, आप शिवराधना ना करें। तो फिर मैं क्या करूं? देवताओं से स्वर्गलोक पूरा छीन ले महाबली। देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दो। अब तो यही करना होगा। मैं शिवाराधना नहीं करूंगा, देवताओं को मिटा दूंगा, उन्हें स्वर्ग से निकाल दूंगा। मैं शपथ लेता हूं केवल स्वर्ग लोक ही नहीं, तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित करूंगा। साम्राज्य। नारायण नारायण। तुम फिर आ गए। दैत्यराज, मैं गया ही कहा था, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था ये देखने के लिए कि दुष्ट की बुद्धि कितनी अस्थिर होती है, और अब देखकर जान भी लिया। क्या जान लिया तुमने? यही कि दुष्ट कभी कभी भयवश भगवान की ओर बढ़ता है, परंतु उसकी दुष्टता सदा के लिए कभी नहीं छूटती। वो तभी छूटती है जब उसके प्राण छूटते हैं। ठहर जाओ नारद। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले गए थे मेनाक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दूं? मैं आज्ञा दूं? पुत्र मेनाक, तुम पार्वती के बड़े भ्राता हो, उसके विवाह की चिंता करते हुए समस्त व्यवस्था तुम्हें ही करनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, समस्त पर्वत राजाओं को निमंत्रित करने के लिए क्या निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं? वही कार्य कर रहा हूँ। करो, शीघ्र करो और सुचारू रूप से करो। महामंत्री, आपने मुझे बुलाया राजन? आपको नहीं बुलाएंगे महामंत्री तो किससे बुलाएंगे? मैं निपट अकेला तो सारे कार्य नहीं कर सकता ना। विवाह की सारी व्यवस्था हो रही है महाराज। हमें आपसे यही आशा है महामंत्री। अब आप ऐसा कीजिए कि राज शिल्पी को बुलवाइए और हमारी राजधानी और राज प्रासाद को इस तरह से सुसज्जित करवाइए कि आने वाले अतिथिगण आश्चर्य से चकाचौंध हो जाए। जी। और हमारे अतिथियों के रहने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन्हें तनिक भी कष्ट ना हो। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा महाराज। और सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ, शिवजी के बारात में सभी देवगण पधारेंगे और उन्हीं के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य भी। इनके निवास व स्वागत के लिए विशेष प्रबंध व ध्यान रखा जाए। अवश्य महाराज। अब आप जाइए, समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज। नैना धानी, तुम यहाँ विवाह की तैयारी नहीं कर रही? आपका इतने उत्साह से करना धरना पर्याप्त नहीं है क्या?
ऐसा प्रतीत होता है महारानी कि तुम्हारे मन में इस विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं। जब भविष्य अपना अंधकार में दिखाई दे तो उत्साह कैसा? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? महारानी, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शोभा की चर्चा ना ही करें तो अच्छा है स्वामी। क्या आपको विश्वास है कि महलों के सुख ऐश्वर्य में पली बड़ी हमारी कोमलांगी पुत्री पार्वती उस वैरागी और विचित्र वेशधारी शिव के साथ खड़ी शोभा पा सकेगी? क्या वो हिम शीतल वातावरण में सुखी रह पाएगी? सुख और शोभा से तो अब जैसे संबंध ही नहीं रह गया है पार्वती का। महारानी, आप अकारण ही चिंता करके अपने आप को दुखी कर रही हैं, जबकि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। मैंने परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अन्य देवगण व ऋषिगण के विश्वास पर ही इस विवाह का निर्णय लिया है, और ये सभी श्रेष्ठ देवगण भगवान शिव जी के चरणों पर नतमस्तक हो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी। हाँ महारानी, मेरे विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक गई और मेरा निर्णय भी इसी विश्वास पर आधारित है। महारानी, पार्वती मेरी भी पुत्री है जितनी तुम्हारी, क्या मैं उसका अहित चाहूंगा? चिंता छोड़ दो महारानी। क्षमा करें स्वामी, किंतु न जाने क्यों मेरा मन बार बार शंका से क्यों भर उठता है। महारानी, इसका एकमात्र उपाय है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती। सप्तऋषि और देवी अरुंधति भी तुमसे बार बार यही कहना चाह रहे थे कि भगवान शिव में विश्वास करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से समस्त संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्वामी, अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। चलो महारानी, विवाह के अन्य प्रबंध देखें। देवऋषि नारद अब तक आमंत्रण देने भी पहुंच गए होंगे। देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि कहां लौट चले? आइए पधारिए। पधारना तो हुआ देवराज, परंतु ये फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था देवर्षि? अब तक तो आपको अपना लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए था देवराज। कांटा चुभने के पश्चात यदि कांटे की उपस्थिति को न समझा जाए तो कांटा फिर चुभेगा, अधिक तीव्रता से चुभेगा, और फिर तुम्हें कष्ट भी अधिक होगा। अरे अरे अरे, अरे कष्ट के आने से पूर्व ही आप कष्ट के सागर में डूब गए। मैं आपको उबारता हूं देवराज,
आइए। नारायण नारायण, मैं आज समस्त इंद्र सभा को अत्यंत सुखद और हर्षवर्धक समाचार सुनाने आया हूँ। सुनाइए देवर्षि, शीघ्र सुनाइए, क्या है वो हर्षवर्धक समाचार? सुनाने आया हूँ तो अवश्य सुनाऊंगा ही देवी सची, परंतु आप धीरज रखिए। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को आप कहो भी देवर्षि, क्या है आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन? भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ की जय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।